मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की जनाब मेरी रेसिपी है टमाटर की मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी चटनी, जो कि आपके दालों को, सब्जियों को, इवन हर खाने को बहुत ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बना देती है। ये चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, बहुत आसानी से और लेस इन्ग्रीडियंट से बनती है। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। रेसिपी देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। टमाटर की चटनी बनाने के लिए जो अज्जा चाहिए हमें, उनमें सबसे पहले तो हैं ये राइट टोमेटोज, पके हुए रेड टोमेटोज हैं। ये टमाटर हैं आधा किलो के करीब, ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली है और इन्हें स्लाइस में काट लिया है। ये हाफ टी स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर, ये रेड चिली पाउडर मैंने हाफ टी स्पून लिया है, ये 1 टी स्पून मैंने वाइट ज़ीरा लिया है, हाफ टी स्पून मैंने क्रश्ड रेड चिलीज ली हैं, 1 टेबल स्पून मैंने ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और 1 टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 से 3 ग्रीन चिलीज थी, मैंने इनको कट कर लिया है। कोरिएंडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए भी, और ये है कड़ी पत्ता, ये भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 13 से 15 ले लिए होंगे। सबसे पहले हम ऑयल में प्याज को डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दूंगी, साबुत ज़ीरा, और हमें ज़ीरे को क्रैकल होने तक पकाना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी करी लीव्स, कड़ी पत्ता, और हम इन तीनों चीज़ों को तेल में अच्छी तरीके से फ्राई करते रहेंगे। तीन से चार मिनट इन तीनों चीज़ों को फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको हम तेल में अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तमाम खुश्क मसाले, और मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मसाले को अब भूनेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, क्योंकि अभी हमें इतना ज़्यादा भूनना नहीं है। जब टमाटर गल जाएंगे तो थोड़ा बहुत हम उस वक्त भी भूनेंगे, इसलिए अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटरों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। टमाटर को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट्स लगे हैं टमाटर को गलने में और टमाटर हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, और जो नहीं हुए हैं वो उनको चमचे की मदद से हम मैश कर लेंगे। टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसी तरीके से 4 से 5 मिनट्स के लिए इसको चलाती रहूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, टमाटरों का पानी अब काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ग्रीन चिलीज,
और धनिया, दोनों चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। ये हमारे टमाटर की मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टफुल सी चटनी तैयार है। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक आपको। ये लीजिए व्यूअर्स, टमाटर की मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल सी चटनी तैयार है बनके, जो बनाएं आपकी दालों को, आपके खानों को। इसके अलावा आप इसे चावलों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे तहरी के साथ यूज़ कर सकते हैं, मटर चावल के साथ यूज़ कर सकते हैं, दाल चावल के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये हर खाने के साथ जो है वो बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार लगती है। ये एक साइड डिश के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है, इसके अलावा इसे आप मेन डिश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेवक्त की भूख मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है ये, तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दूसरी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।